तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक, और मैं आ गया हूँ अब्दली। आज वापस फिर से अब्दली आया हूँ, और ये अब्दली का फार्म हाउस में हूँ फिलहाल। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अब्दली में खेती जो कैसे करके रखे हैं लोग। और देखो, और क्या, भिंडी का सूख गया और गाजर ख़त्म हो गया और मकई अभी है और टमाटर सड़ रहा है, और हम आप सबको दिखाते हैं। और धनिया पत्ता फूल रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, मतलब नहीं खेत के साथ। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं, और बने रहिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। चलिए आगे दिखाते हैं। ये रहा पूरा का पूरा खेती, ठीक है। अब सब नहीं देख सकते हो या देख सकते हो पता नहीं, बट ये रहा। और ये सामने फूल भी है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये पूरा का पूरा फार्म हाउस ही है, जो लास्ट बार मैंने दिखाया था आप सबको, वहाँ का वीडियो दिखाया था। और मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे हूँ, ये लास्ट साइड में ये रही। और आप सब देख सकते हो, ये गाजर है, गाजर गाजर की खेती हो रखी है यहाँ पे। और ये धनिया पत्ता आई थिंक, और इधर बैंगन सब सड़ रहा है। और ये भाई साहब देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, लगे पड़े हैं। और देख सकते हो टमाटर कैसा सड़ रहा है यहाँ पे। कौन बोलता है रेगिस्तान में नहीं होता है खेती? देखो कुवैत ऐसा कंट्री में, रेगिस्तान में सब कुछ हो रहा है। गाजर सड़ रहा है बाहर, टमाटर घूम रहा है, और क्या हो रहा है आसिफ भाई और फैसल भाई, और क्या हो रहा है? ये देखो बैंगन झूल रहा है, कितना अच्छा है बैंगन। बैंगन ही रहेगा ना भाई, आप सब देख सकते हो। तो मैं सोचा यहाँ आया तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, दिखा दूँ क्या है यहाँ के। अरे यहाँ सबसे बड़ी बात गोल्डन बैंगन भी होता है, देखो गोल्ड बैंगन कैसा है। और ये पूरा का पूरा धनिया, हाय हाय कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बगान में आए हुए हम लोग, है ना भाई, पूरा का पूरा। ओहो बहुत सारा गाजर, और लगे हाथ सट। यहाँ पे आलू थोड़ा सा लगाया हुआ है, ये आलू है। और ये क्या बोलते हैं फैसल भाई, इसको हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं इसको? जिसको जिसको पता होगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं ये क्या है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। यहाँ पे कुस्सा बोलते हैं अरबिक में, ये पूरा उसका ही झाड़ है ऐसा लगा हुआ है, कुस्सा सड़ गया, कोई खाने वाला नहीं है, बहुत गरीब है हम लोग इसलिए नहीं खा पाते। और दिखाते हैं भिंडी कैसा बेचारा खड़ा खड़ा सूख गया, आप लोगों को मिलाते हैं आज भिंडी से। तो और भिंडी भाई लोग कैसे हो आप लोग, ठीक ठाक? दुआ करता हूँ आप सब सूख के करेले हो गए होंगे। और ये देखिए आप सब, हमारे भिंडी भाई का हालत बहुत ख़राब हो गया, पूरा का पूरा भिंडी भाई बीमार पड़े हुए हैं, कोई इलाज नहीं करवाया इन लोगों को, और हालत पूरा ख़राब हो गया है इन लोगों का, पूरा सूख गया है सबका सब। तो और क्या दिखाएं हम, ये कौन सा पत्ता है इसके बारे में कोई बता सकता है? मुझे नहीं पता, इसके बारे में बता दो जो जानता होगा कमेंट्स करके। और कलरफुल पत्ता गोभी, हाँ देख लो, तोड़ ले भाई, ये पूरा कलर ही कलर है। ये भाई साहब बैंगन तोड़ के लेके जाना चाहता है अपने घर पे, लेके जाओ गरीब लोग, बैंगन देखा नहीं तोड़ना चालू, ले जाओ तोड़ के। और ये रहा मक्के की खेती, देखो ये मकई लगा हुआ है, ये मकई, ओहो ये पूरा देखिए मकई, आप सब देख सकते हैं लगा पड़ा है, स्पेशली मकई की खेती कुछ दूर तक, देखो आप सब। और बाकी ये जितने भी घास आपको दिख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, ये पूरा ये सब बकरी लोगों को खिलाने के लिए है पूरा का पूरा।
आप सब देख सकते हो, ये पूरा कंपाउंड के अंदर इधर, और हम दोनों इधर घूम रहे हैं फार्म हाउस में। सोचा मैं एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वीडियो बना के दिखाऊँ मैं यहाँ पे हूँ। तो ये रहा आज का मेरा एक ब्लॉग, और ये आ जाएगा कल तक, मैं शेयर कर दूँगा इसे। आप सब अपना प्यार दे, बनाए रखें इसी तरह से। जैसे मेरा करीब 600 कंप्लीट होने वाला है, वैसे मुझे 1000 कर दे, मेरा उम्मीद है आप लोगों से। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, वीडियो कैसा लगेगा बताएंगे। से थैंक यू सो मच आप सब मेरा 500 कंप्लीट करने के लिए। और चलिए बाय, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी। हिंदी में बोलते हैं जोहार, झारखंड में, अच्छा झारखंडी लैंग्वेज जोहार, और नमस्कार, सलाम। आप सब हमें सपोर्ट करें, और हम इसी तरह का ब्लॉग बनाते रहेंगे, हंसी मजाक कॉमेडी वाला। और हम बहुत जल्दी इंडिया आ रहे हैं, फिर आप लोगों को मोटो ब्लॉग करके दिखाएंगे हम। तो गाइस बाय, थैंक यू सो मच।